हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपी कुकिंग शो। आज हम पुडिंग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने सूजी के ब्रेड टोस्ट लिए हैं, दूध लिया है, कस्टर्ड पाउडर लिया है और ये चीनी ली है। सबसे पहले हमने ये कढ़ाई में 2 कप दूध डालने हैं। और 1 कप हम दूध का रख लेंगे, कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है इसमें, ये ठंडा ही रख लेंगे। और गैस हमने ऑन कर दी है। तो सबसे पहले हमने जो 1 कप दूध लिया है उसमें 2-3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के मिक्स कर लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। ये अच्छे से घोल लेंगे। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। कॉर्नफ्लोर यूज़ करोगे तो उससे आपकी पुडिंग जो है वाइट कलर की बनेगी, और ये कस्टर्ड वाली जो पुडिंग है ये आपकी येलो कलर की बनेगी। तो ये हमने घोल लिया है। दूध को उबाला आने देते हैं। जब तक उबाला नहीं आता, 1 कटोरी चीनी ली है, 1 कटोरी हम पानी डालेंगे, ये चाशनी बनाएंगे। दूध में उबाला आ गया है। अब धीरे धीरे हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसको हमने लगातार हिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे कि लम्स ना बने। रेगुलरली हिलाएंगे इसको इस तरह से, और रुकना नहीं है, नहीं तो लम्स बन सकते हैं। बस इसको अभी तब तक उबलने देंगे जब तक इसके जैसे ये इसमें उबाला सा आ जाएगा। और मैं अभी बताऊंगी कि किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। हिलाना बंद नहीं करना है। और इसमें हम चीनी डाल देंगे। 4 बड़े चम्मच चीनी के डाल दिए हैं। अभी इधर हमने ये चाशनी बनाना शुरू करी हुई है। ये देखिए, चाशनी की हमने कोई एक तार नहीं बनानी है, ये हल्की सी चिपचिपी सी हो जाए। अभी नहीं हुई है, इसको होने देते हैं। और इधर हमारा ये दूध की कंसिस्टेंसी कस्टर्ड की किस तरह से रखनी है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो, अच्छे से ये कोट नहीं हो रहा। जब तक ये अच्छे से कोट नहीं हो जाता, कड़छी हो जा कुछ भी, तब तक ये हम इसको बनाएंगे। मैं आपको कड़छी से बना के दिखाती हूँ। इसको ऐसे देखना है कि अभी अच्छे से कोट नहीं हो रहा है। जब तक अच्छे से कोट नहीं हो जाता है तब तक हम इसको मिलाएंगे, अच्छे से घोलेंगे चीनी को भी। और फ्रेंड्स, हमारी ये चाशनी तैयार हो गई है। ये देखो, चिपचिपी सी हो गई है, ज़्यादा इसको एक तार की जब कुछ ऐसे हमें बनाना है, चिपचिपसी हो गई है, मीन्स हो गई है। अभी इधर देखिए, हमारा ये कस्टर्ड भी तैयार है पुडिंग के लिए। ये देखिए, कोट हो रही है कड़छी, बस इतना ही इसको बनाना है। थोड़ा सा ये गाढ़ा ठंडा होके भी हो जाएगा। अभी इन दोनों चीज़ों को हम ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने घर की क्रीम ली है। आप चाहो व्हिपिंग क्रीम या अमूल की क्रीम ले सकते हो। तो मैं इसको अभी इसमें कस्टर्ड वाले दूध में मिक्स कर दूँगी। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम को कस्टर्ड में। अभी इसको गाँठे नहीं बड़ी बनी रही इसकी, क्रीम की अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं पुडिंग बनाना। कि हम रस इस तरह से रख लेंगे। अभी हम चाशनी डालेंगे। आप इस तरह से घर में 10 मिनट में 5 मिनट में डिश तैयार कर सकते हैं। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम सोचते हैं बाज़ार जाएंगे, फिर लेके आएंगे, तो खाना बनाते जाओ और ये चीज़ तब तक बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। जहाँ भी ये आपको दिख रहा है खाली जगह है, इसको अच्छे से भरेंगे। अभी आप इसके ऊपर भी ऐसे
टूटी फ्रूटी डाल सकते हो, अगर ये आपकी मर्जी है। अगर नहीं डालना चाहते तो ऊपर भी गार्निश कर सकते हो। जब आप कस्टर्ड पाउडर बना का दूध बनाते हो तो तब भी आप उसमें ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हो। अगर आप में आपके बच्चे खाते हो ड्राई फ्रूट अच्छे से पसंद करते हो तो डालिएगा, वरना ऐसे ही ये बहुत ही स्वाद बनती है। अभी हम फिर यहाँ चाशनी डालेंगे अच्छे से। फिर हम अभी हम फिर ऊपर से इसी तरह से लगाते जाएंगे। अगर आपको लगता है थोड़ी सी ज़्यादा जगह खाली है तो आप तोड़ के भी ऐसे टुकड़ी डाल सकते हो इस तरह से, क्योंकि इसको अच्छे से फिल करना है। सॉरी, इस तरह से फिल कर ले। और ये फ्रेंड मानो, जब आप ये बना के खाओगे ना तो दोबारा आप बाहर से सोचोगे भी नहीं कोई कुछ डिश लेके इस तरह से आए। घर पे ही बार बार बना के खाने का मन करेगा आपका। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। अभी ऊपर से फिर हम इसमें भी बनाएंगे। ये देखिए उसी तरह वही प्रोसेस है, दो दो उसमें बना रहे हैं क्योंकि मेरे गेस्ट आने वाले हैं। अभी हम तो इस तरह से हम आप ड्राई फ्रूट से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, किशमिश डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो। मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है ऊपर से, और अच्छा दिखने के लिए मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी है। अभी हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर सर्व करेंगे। ऐसे हमने ऐसे फिर ये मैंने वाइट बनाया है कॉर्नफ्लोर से। अभी फिर हम ऊपर से सेकंड लेयर रख देंगे इस तरह से। बादाम डाल देंगे ऊपर से। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे। आज हमने बहुत सारी पुडिंग बना ली है, अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको भी। फ्रेंड्स देखिए हमारी पुडिंग बनके तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये पुडिंग आपको कैसी लगी और कब बना रहे हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।